अस्सलाम वालेकुम चिल्ड्रेन, क्लास फोर। आज हम लोग सीखेंगे चैप्टर फोर, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो आज हम लोग मल्टीपल सीखते हैं। मल्टीपल्स के माने होता है किसी भी दो नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो उसका मल्टीपल कहलाता है। उसे हम प्रोडक्ट भी कहते हैं। कोई भी दो नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं जो आंसर आता है वो या तो मल्टीपल्स कहलाता है या फिर उसे प्रोडक्ट कहते हैं। और जैसे कि कंसीडर द नंबर 20। 20 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4 and 5। यानी कि 20 जो है 4 और 5 दोनों का टेबल में आता है। और 20 को हम 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, पूरा पूरा, बाकी कुछ नहीं बचेगा। अब आते हैं 4 का टेबल लिखते हैं। 4 ones are 4, 4 twos are 8, 4 threes are 12, 4 fours are 16, 4, 8, 12, 16 आर कॉल्ड मल्टीपल्स ऑफ 4। ये सारे नंबर्स जो है वो 4 का मल्टीपल्स है। फिल इन द ब्लैंक्स। 5, 6 are 30, 30 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड 6। 10 twos are 20, तो 20 इज अ मल्टीपल ऑफ 10 and 2। इसी तरह से 3, 4 are 12, तो 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 and 4, 3 and 4। क्वेश्चन नंबर 4, 6, 3 are 18, 18 इज अ मल्टीपल ऑफ 6 and 3, 6 and 3। 7, 4 are 28, डैश इज अ मल्टीपल ऑफ 7 and 4, 7 और 4 का मल्टीपल है 28, 28 इज अ मल्टीपल ऑफ 7 and 4। 4, 6 are 24, डैश इज अ मल्टीपल ऑफ 4 and 6, 4 and 6 का मल्टीपल है 24। नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट 5 मल्टीपल्स। एक ये टेबल का तरह है। 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 threes are 6, 2 fours are 8, 2 fives are 10, 2 sixes are 12, 2 sevens are 14, 2 eights are 16। 3 का टेबल। 3 ones are 3, 3 twos are 6, 3 threes are 9, 3 fours are 12, 3 fives are 15, 3 sixes are 18, 3 sevens are 21, 3 eights are 24, 6 ones are 6, 6 twos are 12, 6 threes are 18, 6 fours are 24, 6 fives are 30, 6 sixes are 36, 6 sevens are 42, 6 eights are 48। हिल रहे 5 का टेबल लिखते हैं। 5 ones are 5, 5 twos are 10, 5 threes are 15, 5 fours are 20, 5 fives are 25, 5 sixes are 30, 5 sevens are 35, 5 eights are 40। ये हो गया मल्टीपल्स। अब तुम लोग को होमवर्क में करना है बुक से पेज नंबर 86, एक्सरसाइज 1,
क्वेश्चन नंबर वन फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर टू राइट डाउन द नेक्स्ट फाइव मल्टीपल्स, क्वेश्चन नंबर थ्री राइट डाउन द नेक्स्ट फाइव मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री होमवर्क कॉपी में करना है और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर शो करना है। ठीक है, चलिए।